नमस्कार दोस्तों आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे इंडियन स्कल्चर एंड आर्किटेक्चर के बारे में यानी कि भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि शिल्प कला यानी कि जो हमारी मूर्तिकला है स्कल्पचर जो है शिल्प कला कला का वह रूप है जो त्रिविमीय अर्थात थ्री डायमेंशनल होती है जिसके जिसको हम चारों ओर से देख सकते हैं यह कठोर पदार्थ यानी कि पत्थर या मृदु पदार्थ यानी कि प्लास्टिक पदार्थ एवं प्रकाश आदि से बनाए जा सकते हैं अब यहाँ पे प्रकाश का मतलब है कि ये सभी चीज़ें जो है वो रोशनी में ही बनाई जाती है यानी कि प्रकाश के माध्यम से ही हम इसको बना सकते हैं अंधेरे में हम किसी भी आकृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं प्राचीन विश्व में कला के क्षेत्र में भारत का प्रतिष्ठित स्थान है जहाँ एक और मानव मानव दैहिक सुंदरता मिस्र के लोग अपने पिरामिड की भव्यता तथा चीनी लोग प्रकृति की सुंदरता को दर्शाने में सर्वोपरि थे वहीं पर हमारी भारतीय जो लोग थे वह आध्यात्मिकता को मूर्तिकला एवं वास्तुकला में ढालने का प्रयास कर रहे थे वह आध्यात्मिक जिसमें लोगों के उच्च आदर्श और मान्यता नहीं थी भारत के वास्तुशिल्प मूर्तिकला कला तथा शिल्प की जड़ें भारतीय सभ्यता के इतिहास में बहुत दूर गहरी प्रतीत होती है भारतीय मूर्तिकला आरंभ से ही यथार्थ रूप लिए हुए हैं जिसके जिसमें मानव आकृतियों के प्राय पतली कमर लचीले अंगों और एक तरूप और संवेदनपूर्ण रूपों को चित्रित किया गया है भारतीय मूर्तियों में पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से लेकर असंख्य देवी देवताओं को चित्रित किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोतरों के बड़े बड़े जल कुंड प्राचीन मूर्तिकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है दक्षिण के मंदिर जैसे कि कंचीपुरम मदुरई श्री रंगम और रामेश्वर तथा उत्तर में वाराणसी के मंदिर की नकाशी की उस उत्कृष्ट कला के चिर प्रचलित उदाहरण उदाहरणों में से एक है जो भारत में समृद्ध हुई है केवल यही नहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर और उड़ीसा के सूर्य मंदिर में इस उत्कृष्ट कला का जीता जागता रूप हमें देखने को मिला है सांची स्तूप की मूर्तिकला भी बहुत भव्य है जो तीसरी सदी इसी पूर्व से लेकर इसके आसपास इसको बनाई गई थी और द्वारा को अलंकृत कर रही है मतलब इसके जो जो ये शांति स्तूप है इसमें जो है तोरणों द्वारा इसको बहुत ही इस सुंदर ढंग से इसको अलंकृत किया गया है मामलापुरम का मंदिर सारनाथ संग्रहालयों में लॉयन कैपिटल में मौर्य की पत्थर की मूर्ति महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं को चित्रित करने वाली अमरावती और नागार्जुन कोड़ा की वास्तुशिल्प मूर्तियां इसके अन्य उदाहरण हैं कहने का भी प्राय है कि हमारे भारत में बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जहां पे हमें मूर्तिकला यानी कि स्कल्पचर और आर्टिटेक्टर के बहुत सारे प्राचीन नमूने हमें देखने को मिले हैं जिसके बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारी मूर्तिकला या स्कल्पचर या भवन निर्माण की कला वास्तुकला जो है वो बहुत ही प्राचीन है और उसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो है वो हम अपने आसपास प्राचीन समय से लेकर देखते आ रहे हैं हिंदू गुफाओं वास्तुशिल्प की प्रकाश्ठा मुंबई के निकट एलिफेंट गुफा में देखी जा सकती है और इसी प्रकार एलोरा के हिंदू और जैन शैल मंदिर विशेष रूप से हम दे सकते हैं तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं बहुत सारी ऐसी गुफाएं हैं बहुत सारे ऐसे, ऐसे प्राचीन खंडर हैं जिसमें वास्तुशिल्प स्कल्चर यानी कि मूर्तिकला और वास्तुकला का समावेश हमें देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप सभी को पसंद आई होगी तो आइए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद